मंगलवार को एसएसपी शलभ माथुर और एसपी सिटी विनय कुमार सिंह ने नगर निगम के आला अधिकारियों के साथ पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थि कलश रथ यात्रा रूट का जायजा लिया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थि कलश यात्रा 25 मार्च को महानगर में प्रवेश करेगी। प्रशासन और नगर निगम ने अस्थि कलश रथ यात्रा को लेकर जरूरी तैयारी शुरू कर दी है। एसएसपी शलभ माथुर, एसपी सिटी विनय कुमार सिंह, नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह, अपर नगर आयुक्त डीके सिन्हा, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश रस्तोगी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने नॉर्मल मैदान में सभा स्थल का जायजा लिया। पार्किंग और सुरक्षा को लेकर अफसरों ने विचार विमर्श किया। अस्थि कलश रथ यात्रा रूट से लेकर राजघाट तक सड़क की सफाई के लिए निर्देश दिया। अस्थि कलश यात्रा में प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने की भी संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री के भी आने की संभावनाओं को देखते हुए आला अधिकारियों ने नॉर्मल स्थित माध्यमिक शिक्षा परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी विस्तृत मैदान, राजघाट स्थल और बर्फ खाना स्थित रामलीला मैदान का जायजा लिया। डॉक्टर साहब को नोट करा दीजिए कौन सी जगह है मुख्य नगर पास ये हो गया। अभी यहाँ चलेंगे घाट पर, ये सीधे घाट वाले अगर ठीक होगा तो इस पर, नहीं तो फिर पूर्व के बगल से गायत्री वाले मंदिर वही वही गाड़ी अच्छा कि हम घाट तक पैदल जाएंगे और दोनों का जी पब्लिक करेगी वहाँ से आप बनते उनसे बात करके बता दीजिए अगर नहीं ये घाट ठीक है ये देख लीजिएगा जो रास्ता बर्फ खाना लगा और फिर बीच घाट एक बार हम लोग वही रोड है सामने निकाल के एक बार चल के घाट लेते हैं और यही कहाँ थे आप लोग नहीं है चौराहे पे जाइए यहाँ क्या चौराहे के लिए पूरा प्लेन करवा करके सब मिट्टी भी नदी से मिट्टी में करवा के तार जाने